हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है सोयाबीन और मटर के चावल बनाना। तो आइए बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सोयाबीन और मटर के चावल। मटर और सोयाबीन के चावल बनाने के लिए ये हमने सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो दिया था और अच्छे से निचोड़ लिया है। ये मैंने एक कप मटर ली हैं, एक कप ही मैंने सोयाबीन ली हैं और ये एक गिलास मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और अब इसका मैंने पानी छान लिया है। दो टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, एक अदरक के टुकड़े को भी कद्दूकस कर लिया है, दो हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया है और ये मैंने दो प्याज ली हैं, इसको लंबा लंबा कट कर लिया है, और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार लिया है, जीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। तो आइए बनाते हैं मटर और सोयाबीन के चावल। ये मैंने एक कुकर लिया है, कुकर मेरा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी और ऑयल को मैं गरम होने दूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी और प्याज को अच्छे से भूनने दूंगी। प्याज हमारे भून चुके हैं और अब मैं इसमें ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से भून लूंगी। और ये टमाटर भी हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगी और ये अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मसाला हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें मटर और सोयाबीन डाल दूंगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल दूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ये पानी डालूंगी, ये मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है इसमें और ये मैंने इसमें दो गिलास पानी डाला है क्योंकि एक गिलास चावल थे ये और मैंने दो गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी और एक विशल लगाने तक हम इंतजार करेंगे। ये हमारे कुकर में एक सीटी आ चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और स्टीम निकलने तक का हम इंतजार करेंगे। और ये हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब मैं कुकर को खोलूंगी। ये देखो हमारे राइस कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं, इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ। राइस को मैं एक प्लेट में सर्व करूंगी, ये देखो कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारे मटर और सोयाबीन के राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।